कैसे हो आप सब? सोचोगे स्कूटी पे बैठे बैठे बात कर रही है। आज स्पेशली पापा जी के साथ जा रही हूँ मैं मम्मी के लिए शॉपिंग करने। ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मम्मी की विंटर्स की बढ़िया वाली शॉपिंग। आज मेरा मन है मम्मा के लिए कुछ करने का, तो मैंने कहा अपने लिए तो बहुत बार खरीदा है, इस बार मार्केट चल रही हूँ, अपने मम्मा के लिए कुछ सामान लेकर आऊँगी बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने घर ले लिया था तो मेरा जो नाम मतलब एजेंसी में ना मतलब नाम लिखा गया, तो मेरी कॉपी तैयार हो गई है। अब मुझे ना गैस सिलेंडर काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाया करेगा। तो यहाँ करीबन एक घंटा बैठे थे पर मेरा काम हो गया था। ये देखो पाइप भी मिली है मेरे को साथ में, और ये सिलेंडर का ही होता है ना ये लगाने का, तो घर पे डिलीवरी भी मिल जाएगी। अब सिलेंडर की कोई टेंशन नहीं होगी आने वाले टाइम में अगर बंद भी हो जाता है तो। ये देखिए, चलिए अब शॉपिंग शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं दुकान पर आई हूँ मम्मी के लिए शॉपिंग करने। मम्मी के लिए हम कार्डिगन देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे। देख लीजिए कैसे कैसे हैं। तो जी यहाँ पे आप दुकान देख सकते हो, ये फिक्स्ड प्राइस की दुकान थी। एक दाम मतलब मैं ऐसी दुकान पे आई थी जहाँ पे मतलब जो रेट हो फिक्स्ड हो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर स्वेटर्स थे, काफ़ी डिज़ाइनर थे, मतलब स्वेटरों में कोई कमी नहीं थी जहाँ मतलब मैं आई थी दुकान पे। लेकिन मेरे को जो चाहिए था ना मुझे वो नहीं मिल रहा था। एक्चुअली ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे मतलब स्टाइलिश टाइप के जो स्वेटर्स होते हैं ना, जो आजकल थोड़े ना इस तरीके के स्वेटर ज़्यादा चल रहे हैं ना, जो काफ़ी थोड़े पतले पतले से होते हैं, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। मैं चाहती थी, क्योंकि मम्मी को ना जैसे ठंड में मम्मी क्या करते हैं, पूरा टाइम पानी में हाथ डालते हैं, ठंड में काम करते हैं, तो ऐसा स्वेटर हो, थोड़ा मोटा हो, मतलब जिसमें अच्छी खासी ठंड रुके। तो ये ना स्टाइल के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं स्वेटर, दिखने में अच्छे लगते हैं। जैसे लड़कियाँ होती हैं कुंवारी या फिर शादीशुदा भी पतले पतले से स्वेटर पहनती रहती हैं, तो वो तो उनके लिए तो चलता है, लेकिन मेरी मम्मी की उम्र के हिसाब से मुझे मेरी मम्मा के लिए स्वेटर लेना था, ऐसा जिसमें अच्छी खासी ठंड रुके। तो उस हिसाब से वैसे ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा था स्वेटर जो ये सामने आपने इन्होंने दिखाया था। उसके अलावा ये मैं स्वेट शर्ट देख रही थी, ये ना 450 रुपये की बोली थी प्राइस वाइज, तो ये अच्छी तो लग रही थी, मेरे को पसंद आ रही थी, बट मेरे को खुद के लिए थोड़ी, मैं शॉपिंग करने आई थी कि मैं अपने लिए चीज़ें लेती रहूँगी, तो मैंने ये नहीं ली, तो मैं दूसरी दुकान पर आ गई। कार्डिगन देखेंगे और एक दो शॉप्स पर देखेंगे, तो उससे पहले मैं मम्मा के लिए देख रही हूँ। देखिए कुछ पसंद करते हैं यहाँ से। पता है आपको, मुझे ना कॉलेज टाइम में ना बहुत पसंद थी इस टाइप की मतलब कैप जो भी इनको बोलते हैं, तो मैं ना लेना चाहती थी, बट मुझे बड़ी शर्म सी आती थी, मुझे लगता था पता नहीं मेरे पे अच्छी लगती होंगी नहीं लगती होंगी, तो मैंने कॉलेज में कभी पहनी ही नहीं। और मतलब मेरे को इतना शौक था कि मैं काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की इस टाइप की कैरी करूं, मुझे अभी भी नहीं पता मेरे पे कैसी लगती है, अच्छी लगती है नहीं लगती, वो तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। तो ना मुझे कुछ इस टाइप की लेना चाहती थी मैं। मैंने कहा चलो जैसे ये वाली है देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, ये वाली मुझे काफ़ी फैंसी और डिज़ाइनर सी लग रही थी, स्टाइल इसका बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आगे से ना इसमें थोड़ी कैप वाली लुक भी आती है, जो सिंपल वाली होती है वो वाली मेरे को वो तो बहुत पहन रखी है, मतलब घर पे वैसे पहनते ही हैं। मैंने कहा कुछ फैंसी देखते हैं, कुछ ऐसा जो काफ़ी स्टाइलिश लगे, तो मुझे ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, ये ग्रे कलर में इतनी सुंदर लग रही थी और काफ़ी ट्रेंडी लुक आ रहा था इससे। तो मेरे को लगा कभी जैसे अब सर्दियों में जैसे बाहर बाहर जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, जैसे ये एक कैप कैरी कर लो तो अलग ही मतलब निखार सा आ जाता है। तो ये वाली जो वाइट कलर में थी ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, मतलब मेरा अगर दिल होता तो मैं ये वाइट ही ले लेती, पर मुझे पता है मैं इसे गंदा कर दूंगी और फिर ये इतनी मैली हो जाएगी, और फिर पता ही है वाइट कलर को ना बहुत रख रखाव बहुत ज़्यादा मांगता है, जैसे कभी कभी यूज़ करनी हो तो उसके हिसाब से तो वाइट भी अच्छी लगती है। तो ये कुछ शायद मैरून कलर में था जो मतलब दिखाई थी, और इसमें एक और कलर भी था, देखो मैंने सारी पहन कर देख ली ना, मुझे ये वाली पसंद आ रही है। एक तो मैंने देखी ये वाली ली है, ये वाली मैंने अपने लिए खुद के लिए ली, अभी मम्मी के लिए मैं पसंद कर रही हूँ, अच्छी लग रही है ना ये वाली, ग्रे जच रही है मुझे, पसंद आ रही है। एक तो ये ली है मैंने, अभी एक और पसंद कर रही हूँ अभी मैं।
तो यहाँ पे मैं जिस हिसाब से टोपियाँ देख रही थी ना, उस हिसाब से भैया को तो लग रहा था कि अच्छी खासी 2-3 ले जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये अलग ही डिज़ाइन की मुझे दिखाई थी, मैंने इसको पहन के देखा था। तो बड़ा मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ खुद के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से भी डर लग रहा था। और ना ये वाली जो डिज़ाइन की कैप थी, ये मैंने नहीं खरीदी, पर मुझे अब अफसोस हो रहा है, मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी। मतलब अब ना मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना ये वाली लेनी चाहिए थी, ये वाली काफ़ी जच रही थी। मतलब इसमें और भी कलर्स दिखाए थे, मैं आपको भी पहन के दिखाऊंगी। तो ये वाली थोड़ी सी हैवी रेंज में थी, हैवी तो क्या मतलब 100 रुपये का फ़र्क था, जैसे कोई 100 की थी, कोई 200 की थी, कोई 250 की थी, कोई 300 की थी। पर मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है अभी डिज़ाइंस की कि आजकल क्या फैशन में चल रहा है, मतलब इन मामलों में कैप वगैरह, क्योंकि ज़्यादा इतनी पहले पहनी नहीं, अभी पहननी शुरू करी है। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ मैरून कलर में थी, ये पिंक शेड में थी, तो मैं इनको ना ट्राई करे जा रही थी, मैं सारे डिज़ाइंस देख रही थी। ये वाला डिज़ाइन मुझे पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कहा बड़ा ओवर लग रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मुझ पर अच्छी लग रही है नहीं लग रही। तो बहुत सारी दिखाई, तो भैया भी मेरे को दिखाए जा रहे थे और मैं भी ट्राई करे जा रही थी। आप भी देखोगे आप कहोगे कितनी सारी देखी हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने एक ही ली थी, ये वाइट कलर की थी, ये देखो वाइट कलर की अच्छी लगती है, अगर आप लेना चाहो ना आप ले सकते हो, पर आपको थोड़ा फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए रेड कलर में थी, ये मुझे अच्छी नहीं लगी ज़्यादा, ये पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आ रही थी, थोड़ी सी अजीब सी दिख रही थी मेरे को। तो मैं भैया को कह रही थी कि भैया जो आपने मुझे शुरुआत में 2-3 दिखाई थी ना, एक बार आप मुझे दोबारा से दिखा दीजिए, उसी में ही मैं कलर पसंद करूँगी जो मैंने देखी थी। तो यहाँ पर देखिए भैया मुझे अब दोबारा से वही पुरानी वाली दिखा रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि भैया ने बहुत सारी टोपियाँ दिखा दी थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी वाली लूँ। और मम्मी के लिए नहीं ले रही हूँ, मम्मी के लिए एक्चुअली इसलिए नहीं ली क्योंकि मम्मी को मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी पसंद की आए ना आए पसंद। तो एक बार मम्मी को यहाँ लेकर आऊँगी ना कभी दुकान पर, तो फिर देख लूँगी मम्मा के लिए। तो मैंने यहाँ अपने लिए ही एक ले रही थी, तो ये वाली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, अजीब सी लग रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाली एक थी, मतलब मैं ना थोड़ी कंफ्यूज़ हो गई थी, एक तो मैरून कलर था और एक ग्रे कलर था, मुझे ग्रे कलर ना ले मैंने छोड़ दिया, मैं मैरून कलर की लेके आ गई फिर बाद में। पर मुझे अब अफसोस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रे कलर ज़्यादा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं मैरून भी अच्छा लग रहा था, तो इन दोनों कलर में से ना फिर मैंने मैरून वाली चूज़ कर ली, मैंने कहा ये वाली ले लेते हैं। बाकी आप बताइएगा कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही थी। तो यहाँ से अभी निकलते हैं और अब दूसरी शॉप पे चलेंगे, कैसा लग रहा है देख लीजिए आप। इसमें थोड़ा एक्सेल है, इसे बड़ा साइज दिखाना, अच्छा आ जाएगा। हाँ दिखाना कौन कौन से इसमें कलर। हाँ हाँ अच्छा एक ये वाला है, ये 3 कलर हैं, दिखाना। अच्छा ये सेम है, ये डिज़ाइन अलग है। अच्छा अच्छा एक ये वाला है। हाँ हाँ आप इनमें से ये वाला ओपन करके दिखाना, पिंक वाला आप ये वाला दे दीजिए मुझे, पिंक वाला। हाँ ये वाला दे दीजिए। यहाँ मैंने मेरी मम्मी के लिए स्वेटर कार्डिगन पसंद किया है, आपको मैंने दिखा दिया है, पिंक कलर में चूज़ करा है मैंने, क्योंकि मम्मी को ना थोड़ा सा मम्मी के पास इस टाइप के कलर में है ऑलरेडी एक स्वेटर पहले पहना हुआ है, तो मुझे लगा कुछ डिफरेंट लुक रहेगी, तो मैंने पिंक कलर में मम्मी के लिए स्वेटर लिया है। कुछ और भी देख लेते हैं, और क्या क्या है यहाँ पर में। ये किस रेंज में मिलेगी? 600। ये थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है फिटिंग मम्मा के हिसाब से, सच में है। ओके तो इसमें भी देख लीजिए कलर्स दिए हुए हैं, ये वाला है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। इसमें कलर्स दिखाना, ये वाली इसमें कलर्स देखते हैं, अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हो, चेंज करवाने आए कस्टमर हमारे पास। दिखो
ये देख लो, ये शॉप वाले भैया सारे कपड़े चेंज भी कर लेते हैं अगर साइज ऊपर नीचे आए। किसी किसी के करते छोटा सा कलर डिजाइनिंग है। तो ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफी लॉन्ग में है तो मुझे भी सुंदर लग रहा है ये वाला, तो काफी तो और देखते हैं। हाँ जी इसमें दिखा दीजिए। ओके एक ये कलर है, ये डिजाइन है, ये किस रेंज में है? 700। ओके ओके में कलर और मिल जाएंगे जी, बढ़िया डिजाइन। ये तीन है मुझे ना इन तीनों में से तो ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला आप पैक कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें ये वाला कलर लिया है क्योंकि ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर मम्मी भी नहीं पहनेंगे तो मैं पहन लूंगी, लेकिन मम्मी पहन लेंगे, अच्छा लग रहा है लॉन्ग में, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये दोनों पैक कर दीजिए। अच्छी हो रही है ना शॉपिंग, पसंद आ रही है आपको? चूहा दानी दे दो, दिखाना साइज प्राइस सारा कुछ बताइए। ये कितने में है? ये 50 रुपए 40। ये 40 रुपए, ये 50 में 40 में। और इससे बड़ी वाली? बड़ा वाला अभी बड़े वाली दे दीजिए, बड़ी ले ले पापा जी। ना चूहा छोटे छोटे हैं तेरे। हाँ तो फिर बाद फिर छोटे ले लो, और छोटी हैं छोटे ले लो, छोटा ले लो, बड़ी तो शेर सूर पकड़ने हो उसके लिए हो, देखो बड़े बड़े लिए। अच्छा छोटी वाली ले लेते हैं, तो यूज करना बता दीजिए। रोटी रखेगी और रोटी में पड़ेगा या यार का से अटका है। हां नीचे रोटी का जोड़ लो। ओके मम्मी की शॉपिंग तो हो गई, चलिए अब पापा जी के लिए भी कुछ लेते हैं। तो पापा जी को ना लोई पसंद है काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे उसमें ठंड अच्छी रुकती है, सर्दियों में ओढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लोई, पापा जी को सर्दियों के लिए विंटर्स के लिए चाहिए है। तो यहाँ पर एक ही कलर था अवेलेबल था, यही वाला, तो हमने यही वाला ले लिया था। ठीक लगी, अच्छी थी, गर्म लोई थी। और आपने नोटिस तो किया ही होगा कि ना मैं बाज़ार वगैरह जाती हूँ तो मास्क लगा लेती हूँ, अब फिर से लगाना शुरू कर दिया है मैंने। जैसे अपने घर के आसपास, जैसे मेरा जो एरिया है ना जहाँ मैं रहती हूँ, वो ना शहर से थोड़ा दूर है और वो काफ़ी ओपन एरिया है, मतलब खाली सड़कें, इतनी भीड़ भी नहीं होती, तो वहाँ तो चलो थोड़ा बहुत कभी नहीं भी लगाते तब भी चलता है। पर यहाँ अगर मेन मार्केट अगर आप आए हो, बाज़ार में आए हो, तब तो आपको मास्क ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए मैं मास्क लगा के बाज़ार जाती हूँ हमेशा ना। यहाँ पर पापा जी हरा धनिया कह रहे हैं, धनिया लेना है, तो धनिया लेने लेके आप भी गए हैं, देखो आप, आपको दिख गए होंगे। बस ये धनिया मम्मी ने मंगवाया था तो ये लेके आए हैं, बस अब यहाँ से हम सीधा घर की तरफ जाएंगे और फिर मम्मी को दिखाते हैं, देखते हैं मम्मी को पसंद आता है नहीं आता। मम्मा के लिए गिफ्ट लिया है, ये लो मम्मा, ये देखो आपके लिए गिफ्ट है, ओपन करके देखो। देख लो ना, पहन के भी देख लेना कैसा है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है माँ? बहुत ही अच्छा। एक और है? बहुत अच्छा लगते हैं। ये दोनों लाई हूँ आपके लिए। कितने कितने के आए? 600-700। ये 600 का, वो 700 का? हाँ 700 का चाहिए? नहीं नीचे वाला। अरे ये 600 का? हाँ। इतने महंगे स्वेटर है? मैं फिर दूसरे लाई हूँ ना मोटे वाले। चलो ठीक है, देख लो पहन के देखो ना मम्मा, पहन के तो लगा के तो देखो कैसा लगता है। ना ऐसे नहीं, ढंग से पहनो मम्मा। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं लेने वाली पैसे मम्मा, मैं आपके लिए लाई हूँ कि आराम से सर्दियों में पहनोगे। पहनो ना मी, सही आ जाएगी। ठीक है, मोटी है, ठंड से बच गई।
तो जी ये देख लीजिए आप, मम्मी ने पहन ली है स्वेटर। बंद हो रही है मम्मा? बिल्कुल हो जाएगी ना, और क्या ज्यादा दिल लिया तो हो जाएगी। देखना थोड़ा सा दिखाना, सही लग रही है ना? बिल्कुल बहुत अच्छी। ये वाली भी, ये वाली भी देख लीजिए, आपको मैंने दिखा दी बस, ये दो स्वेटर्स लाई थी। कहीं लग गया आज टाइम, थोड़ा सा लग गया, फिर भी मम्मी को हम करते करते भी टाइम तो लग जाता है बाजार में। पजामी भी ले आती मैं, आप बता देते चल पड़ी है घर में ना, वही डाल दो। सही आ गई ना मम्मा? बिल्कुल सही बेटे, बहुत ही अच्छी। तो चलिए अच्छा लगा, चलो मम्मा को पसंद आई। और आपको मेरी ये कैसी लगी कैप ये भी बताइएगा, बस मुझे पसंद आई थी तो मैंने ले ली। तो चलिए इस वीडियो का यही मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या देख ली पापा जी वीडियो में, जब हम बाजार में दिखाई नहीं थी मैंने, पापा जी कह रहे अब मेरी लोई भी दिखा दे। चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।